थंबनेल पर क्लिक करके इस वीडियो के अंदर तो तुम आ चुके हो, लेकिन इस चीज को समझ लेना कि ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे आखिरी वीडियो होने वाली है स्किल्स के रिगार्डिंग। लेकिन ये स्किल तुम्हें समाज में सबसे ज्यादा ताकतवर और बहुत क्रोधी बना देंगी। तो अभी से ही डिसाइड कर लो कि इस वीडियो को देखना है या नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा लास्ट ईयर तुम्हारे लिए कैसा था, ये साल तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकता है, इवन कई गुना बेस्ट हो सकता है, अगर तुमने ये 5 स्किल्स को बहुत ध्यान से समझ लिया तो। तुम्हें मैं कोई कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डेटा मैनेजमेंट या राइटिंग जैसी स्किल्स के बारे में नहीं बताने वाला, बल्कि इन सभी टेक्निकल स्किल से कई गुना ज्यादा प्रैक्टिकल और लाइफ में कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल तुम्हें पहली बार बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली स्किल जो इतनी ज्यादा पावरफुल है, जिसे अगर तुमने डीप स्टडी के साथ मास्टर कर लिया तो ये स्किल तुम्हें तुम्हारे लाइफ के किसी भी सिचुएशन में तुम्हें डोमिनेटिंग बना देंगी, फिर चाहे तुम्हारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ ही क्यों ना टूटा हो, तुम अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में रख पाओगे। और ये स्किल है EI, इमोशनल इंटेलिजेंस। और इसके 5 इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल, मोटिवेशन एंड एम्पथी। लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं तुमसे कहूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी दूसरी स्किल के बिना हमारे लिए काम ही नहीं कर सकती? बिल्कुल सही सुना तुमने। और ये दूसरी स्किल है GMT। ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है, वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। जब तुम मास्टर करने जाओगे हमारी पहली स्किल EI को, तब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि इसे मास्टर करना क्यों है और करना कैसे है, और इस कैसे का जवाब मिलता है यहाँ पर। और यहीं से शुरुआत होती है हमारी दूसरी स्किल की, और यहीं से स्टार्ट होती है हमारी दूसरी स्किल, जो उतनी ही ज्यादा पावरफुल है जितनी एक फाइटर जेट में लगा फ्लेयर सिस्टम। जिस तरह दुश्मन की मिसाइल को एक फाइटर जेट अपनी फ्लेयर एक्सप्लोजन से हवे में ही तबाह कर देता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी स्किल नंबर 2 ग्रोथ माइंडसेट डेवलपमेंट स्किल तुम्हें दुनिया की किसी भी जगह, किसी भी सिचुएशन में तुम्हारे लिए एंटी मिसाइल फ्लेयर्स की तरह काम करेंगी। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में तुम्हें खत्म या बर्बाद करने का थोड़ा सा भी ख्याल आएगा, तुम्हारा ग्रोथ माइंडसेट उस थॉट को, उस सोच को तुम्हारे दिमाग में ही तबाह कर देगा। लेकिन इस स्किल को मास्टर करना इतना भी आसान नहीं है जितना इसके नाम को याद रखना। लेकिन अब एक सवाल आता है कि ये स्किल क्या सच में सीखना बहुत जरूरी है? इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसका आंसर तुम्हें मिलेगा स्किल नंबर 3 में, क्योंकि तुम्हारी इस तीसरी स्किल में ही पता चलने वाला है कि तुमने बाकी की 2 स्किल्स पर कितना काम किया है। और ये स्किल है RDTS, राइट डिसीजन टेकिंग स्किल, क्योंकि तुम्हारी इस तीसरी स्किल में ही पता चलने वाला है कि तुमने बाकी की 2 स्किल्स पर कितना काम किया है। सोचो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें अपने करियर के रिगार्डिंग क्या करना है, अपने सही करियर का कौन सा डिसीजन लेना है, और तुम्हें उस वक्त कुछ पता नहीं होता और तुम भेड़ चाल में घुसकर एक गलत डिसीजन ले चुके होते हो, और जब तक तुम्हें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और इसलिए तुम्हें तुम्हारे डिसीजन मेकिंग स्किल को अभी से ही मास्टर करना होगा। और ये स्किल सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, ये स्किल बड़े बड़े बिजनेसेस, कॉर्पोरेट्स एंड जॉब्स में तुम्हारे उतने ही काम आने वाली है जितनी एक स्पोर्ट्स कार में सबसे तेज भगाने वाला उसका V12 इंजन। अगर तुम एक जॉब करोगे तो ये स्किल तुम्हें तुम्हारे प्रमोशन कराने में, बिजनेस करोगे तो ब्रांड वैल्यू, अथॉरिटी एंड सेल्स बढ़ाने में, और पैशन बेस्ड करियर में ग्रोथ कराने में एक जादू की तरह ये स्किल तुम्हें मदद करने वाली है। लेकिन क्या हो अगर सही डिसीजन ले लेने के बाद भी तुम इस एक और स्किल के ना होने से मात खा जाओ और अपने गोल से जस्ट एक स्टेप पीछे रह जाओ? तो स्किल्स के बारे में बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस एक स्किल पर पूरी जिंदगी में कभी ध्यान नहीं दे पाते। तो कैसा रहे अगर तुम तुम्हारे करियर के बारे में हर चीज जानते हो और तुमने इमोशनल इंटेलिजेंस की हेल्प लेकर अपने ग्रोथ माइंडसेट की स्किल से एक राइट डिसीजन लिया। लेकिन कैसा रहेगा अगर उस लिए हुए डिसीजन पे तुमने एक्शन ही नहीं लिया? स्टार्ट करते हैं स्किल नंबर 4, APD, एक्शन प्लान डिजाइनिंग स्किल। ये स्किल तुम्हें ज्यादा नहीं, बस एक स्टेप ही दूर रखेगी तुम्हें तुम्हारे गोल से, क्योंकि हर किसी को पता है कि गोल तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता होता है और सिर्फ एक काम ही करना होता है, और वो है एक्शन लेना। और हर एक्शन के लिए तुम्हें एक सही एक्शन प्लान की जरूरत होती है, और ये एक्शन प्लान डिजाइनिंग स्किल अगर तुम्हारे पास होता है
तो तुम्हें हर उन लोगों से कम टाइम लगने वाला है जिन्होंने अपने गोल तक पहुंचने में सालों निकाल दिए, जस्ट बिकॉज कि उन्हें सही एक्शन प्लान पता ही नहीं था। अब आती है एक ऐसी स्किल जिसने पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करके रखा है। ये पूरी दुनिया इस स्किल में महारत हासिल करे हुए इंसान के हाथों मैनिपुलेट होती है और किसी को भी इसके बारे में पता तक नहीं चलता। तुम्हें इसकी हवा तक नहीं लगती कि तुम्हें भी कोई कंट्रोल कर पा रहा है, और वो इस हद तक कंट्रोल कर पा रहा है कि वो तुम्हारी जेब से पैसा भी बड़े ही आसानी से निकलवा सकता है। और ये स्किल और कोई नहीं CET है, कम्युनिकेशन एक्सीलेंस डेवलपमेंट। यस, सही सुना तुमने। पूरी दुनिया में तुमने एक चीज जरूर सुनी होगी, लोगों के द्वारा ये कहते हुए कि जिसको बेचना आ गया वो सूखे तपते रेगिस्तान में भी कुआं खोदकर पानी निकाल लेगा। और इस लाइन में जो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है, जिसके बिना कोई भी कंपनी, इंडस्ट्री या बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकती, वो है बेचना, सेल्स। और हो सकता है कि तुम्हें ये पहली बार पता चल रहा हो, लेकिन ये एक हिडन रियलिटी है कि सेल्स अपना पूरा कंट्रोल उस इंसान को देती है जो कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर है, और ऐसे ही इंसान को कंपनीज हाईएस्ट पे आउट सैलरीज पर हायर करती है, और वो तुम्हें चाहकर भी अपने कंपनी से नहीं निकाल सकती, क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है वो होता है सेल्स डिपार्टमेंट। वो चाहे तो अपने बाकी के स्टाफ को निकाल सकते हैं, लेकिन वो कंपनी तुम्हें निकाल ही नहीं सकती, जस्ट बिकॉज कि तुमने कम्युनिकेशन एक्सीलेंस स्किल पर जी तोड़ टाइम दिया है। अब तुमसे मेरी मीटिंग होती है इस वीडियो में, तो क्लिक करो और अंदर आ जाओ, और अगर नहीं आना चाहते तो सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना। चलता हूँ, जय हिंद।